नमस्कार, देखिए नजर इंडिया न्यूज से, मैं अनुराधा कुमारी। जगदीशपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर दुमका मोड़ मार्ग अगारी मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक जो रजौन से आ रही थी, एक ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। सूत्रों के अनुसार ऑटो में 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को हल्की चोटें आई, वहीं 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का नाम सुनीता देवी, उम्र 32 वर्ष, पति गौतम मंडल बताया जा रहा है। महदा थाना रजौन की रहने वाली है। तीनों को ग्रामीणों द्वारा जगदीशपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं अस्पताल के प्रभारी ब्रजभूषण मंडल और डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने मिलकर सुनीता देवी का इलाज किया और बताया कि घायल सुनीता देवी की दाएं हाथ की हड्डी टूट गई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें भागलपुर अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया गया है। जगदीशपुर से घनश्याम सिंह की खास रिपोर्ट। ऑटो पे बैठ के पीछे से ट्रक उलट ठोक दिया, पलट गया गाड़ी। और कहाँ से आ रहे थे? रजौन महादा से। भागलपुर जा रहे थे इलाज? भागलपुर जा रहे थे इलाज करने। अमन कुमार के यहाँ दिखाते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।